पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को ईडी ने कथित राशन घोटाले मामले में शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया है। ममता बनर्जी सरकार में मलिक वन मंत्री हैं। इससे पहले गुरुवार सुबह ही ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की थी। ये छापेमारी कथित राशन घोटाले से जुड़ी है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। ज्योतिप्रिया मलिक ने अपनी गिरफ्तारी पर कहा, मैं गंभीर साजिश का शिकार हो गया हूं, मैं यही कह सकता हूं। मलिक ने कहा, जब उन्हें ईडी अधिकारियों ने सुबह करीब 3:23 पर कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित उनके घर से हिरासत में लिया था, उनकी गिरफ्तारी 20 घंटे की पूछताछ के बाद हो गई। गुरुवार सुबह करीब 6:30 ईडी के अधिकारी मंत्री के घर पहुंचे। ईडी गुरुवार सुबह से ही बीसी ब्लॉक सॉल्ट लेक के 2 प्लॉटों में तलाशी अभियान चला रही है, जो कथित तौर पर मंत्री के ही हैं। ईडी ने उत्तर 24 परगना जिले के नागौर बाजार में मलिक के निजी सहायक अमित दे के आवास पर भी तलाशी ली। ज्योतिप्रिया मलिक वन मंत्री बनने से पहले खाद्य मंत्री का कार्यभार संभाल रहे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रियों पर पहले भी छापेमारी होती रही है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने इस कथित घोटाले में चावल मिल मालिक बकीबूर रहमान को भी गिरफ्तार किया था। 2004 में एक चावल मिल मालिक के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले रहमान ने अगले 2 साल में 3 और कंपनियां खड़ी कर ली थी। ईडी अधिकारियों के अनुसार रहमान ने कथित तौर पर शेल कंपनियों की सीरीज खोली और पैसे निकाले। जांच एजेंसीज द्वारा मंत्री के 2 आवासों पर तलाशी लेने के 1 दिन बाद ये गिरफ्तारी हो गई है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।